अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रजवी रिलीज और मेरा नाम है आशिक। दोस्तों आज बहुत दिनों के बाद हम जो है इस चैनल पे वीडियोस को जो है रिज्यूम कर रहे हैं। दरअसल मैं कुछ बिजी था और वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, और बहुत ज्यादा जो कमेंट्स हमारे प्रीवियस वीडियोस में आते थे वो राइस कुकर के रिलेटेड थे। हमारा एक वीडियो पहले से अपलोड है लेकिन लोगों को फिर भी जो है व्यूअर्स हैं उनको समझ नहीं आता था, तो फिर भी कुछ फॉल्ट ऐसे रहते थे कि लोग अभी भी जो है सवाल कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जो है हमारे पास ये हैवल्स का एक राइस कुकर है, राइस मेकर है, तो हम इसको क्या करेंगे, इस पे ये मैंने रिपेयर के लिए आया था तो मैंने रिपेयर कर लिया है। अब मैं आपको इसके सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं उनका काम क्या है, और अगर उनमें से कोई कंपोनेंट खराब होता है तो क्या फॉल्ट होता है, या अगर आपके पास पहले फॉल्ट है, और अगर मैं बताऊंगा फॉल्ट क्या होगा और वो किस वजह से आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये हैवल्स का जो है राइस कुकर है, आप अगर ये खुद रिपेयर करना चाहते हैं, चाहे आप जो है कोई मैकेनिक हैं, आप इस फील्ड से रिलेटेड हैं, या आप जो है अपना घर का जो आपका अपना राइस कुकर है वो ठीक करना चाहते हैं, यहाँ आपको जो है कोई ये दूसरी बात में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये हैवल्स है। अगर आपके पास फिलिप्स का होगा या क्वींस का होगा तो क्या वो भी सेम तरह से रिपेयर होगा, तो हाँ बिल्कुल सेम तरह से रिपेयर होगा। जो राइस कुकर का जो अपना काम करने का एक तरीका है, जो इसका सिस्टम है, ये हर एक राइस कुकर जो है वो सेम होता है, थोड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशन होती है वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ एक ओवरहीट कट लगा हुआ है, ये एक जो है स्विच ब्रेकर की तरह काम करता है, तो ये ज़्यादातर राइस कुकर्स में नहीं लगा हुआ होता है और यहाँ पर लगाया हुआ है सेफ्टी के लिए। बस इतनी सी थोड़ी सी डिफरेंस होगी, कहीं पे ये होगा कहीं पे ये नहीं होगा, बाकी सब कुछ सेम होता है। और अगर बहुत बड़ा जो है राइस कुकर होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, 50 लीटर का 100 लीटर का, तो उसमें क्या होता है, उसमें कॉइल्स जो है वो डबल होती हैं, ये जो वार्म कॉइल है ये डबल होती है, बाकी कुछ नहीं होता, यानी जो इनका जो वायरिंग का सिस्टम है वो तो सेम होता है, लेकिन डबल हीट करने के लिए, ज़्यादा हीट करने के लिए कहीं पे कॉइल्स जो है वो ज़्यादा होती है, और हीट को ज़्यादा रिड्यूस करने के लिए कहीं पे ज़्यादा ये जो है वार्म कॉइल्स जो है वो दो लगे हुए होते हैं। तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं सारे के सारे कंपोनेंट से। एक्सटर्नल कंपोनेंट्स में जो है वो इसकी लिड आती है, यानी पावर कॉर्ड आती है, वो ये रही, ठीक है, इस तरह की इसकी पावर कॉर्ड होती है, ये इसका जो है एक सिरा है और यहाँ से जो है 3 पिन टॉप है 6 एम्पेयर का, ठीक है। तो चलिए इसको साइड में रख देते हैं, वो बड़ा हम राइस कुकर की तरफ आते हैं। ये इसका जैक रहा, इसके बाद जैक के थ्रू जो है यहाँ पे 3 वायर्स आती हैं, एक रहता है न्यूट्रल, एक रहता है फेज और एक रहता है अर्थ, ठीक है। अर्थ जो है वो हमेशा आपकी बॉडी के साथ लगी हुई होती है, यहाँ से आप देखते हैं ढक्कन के साथ भी लगी हुई है और यहाँ से बॉडी के साथ लगी हुई है। न्यूट्रल जो इसका रहता है वो जो है डायरेक्ट यहाँ सीधे आपके मेन हीटिंग कॉइल पे आता है, ठीक है, ये हीटिंग कॉइल के 2 टर्मिनल्स हैं, ठीक है, एक और 2। न्यूट्रल फेज आप किसी पे भी दे दीजिए, बिल्कुल एक जो है हीटर की तरह काम करता है, आपको न्यूट्रल फेज देना है किसी पे भी दे दीजिए तो ये स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारे पास जो है 900 वाट का इसका कॉइल है, आप देख सकते हैं यहाँ से 900 वाट का जो इसका है कॉइल है, ठीक है, और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक थर्मल फ्यूज लगा रहता है, ठीक है, थर्मल फ्यूज लगा रहता है, जो हीट ज़्यादा हो जाए तो जल जाता है, लाइट वोल्टेज ज़्यादा है तो जल जाता है, जिसकी वजह से आपका कॉयल जो है वो बच जाता है। इसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बोला ज़्यादातर राइस कुकर्स में जो है ये सर्किट ब्रेकर नहीं होता, हीट ब्रेकर, ज़्यादा हीट जब हो जाएगा, ओवर हीट हो जाएगा तो यहाँ से जो है सप्लाई को काट देता है और आपका जो है राइस कुकर बंद हो जाता है और इसलिए बॉडी नहीं जलती, तो ज़्यादातर में नहीं होता, यहाँ लगाया हुआ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक वार्म कॉइल रहता है, जब आपका जो है स्विच, आपकी जो लाइट जो होती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब आप ये स्विच देते हैं तो आपकी जो लाइट्स है वो कुक पे जाती है, जब वापस आ जाता है तो वार्म पे रहते हैं। वार्म पे रहते वक्त क्या होता है, आप समय यहाँ इसको जो हम क्या है इसको बोलते हैं वार्म कॉइल। वार्म कॉइल असल ये कॉइल नहीं है, असल में ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जो वोल्टेज को कम करने के लिए है। तो जब आपका राइस कुकर जो है वार्म पे रहता है तो आपकी कॉइल को इस प्लेट की इस रेजिस्टेंट के जरिए से वोल्टेज मिलती है जो बहुत कम रहती है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल हल्का सा हीट रहता है और आपका खाना सिर्फ गर्म रहता है। और मेन कंपोनेंट जो इसका होता है, जो इसको ऑन ऑफ करने के लिए होता है, वो ज्यादा बड़ा कुछ नहीं होता, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 10 एम्पीयर का एक लीप स्विच लगा हुआ है, कहीं पे तो ये प्लास्टिक का ऐसे लगा हुआ होता है पॉइंट वाला, आप देख सकते हैं, ठीक है, कहीं पे जो होता है वो पतरी जैसा होता है, ठीक है, पीतल के जो थोड़े से पॉइंट होते हैं, 2 पॉइंट होते हैं, उन्हीं को जो है ब्रेकर बनाया हुआ होता है। तो स्विच यहाँ पे इसका काम करना, जैसे आप इसको यहाँ पे देंगे तो ये ऑन होता है और राइस कुकर आपका कुक पे चला जाता है। इसके अलावा यहाँ पे बीच में जो है ये एक मैग्नेट लगा हुआ होता है, जब आप इसके ऊपर बर्तन रखते हैं अंदर से
तो ये बिल्कुल इस तरह ऊपर आ जाता है, ठीक है, इस तरह ऊपर आ जाता है और ये मैग्नेट इसको पकड़ लेता है, ठीक है, छोड़ देंगे, स्विच वापस आ गया। अब चलते हैं फॉल्ट्स की तरफ, कौन कौन सा फॉल्ट किस किस की वजह से आता है, ठीक है। अगर आपका राइस कुकर जो है, आप जो है इसको यहाँ से कॉर्ड लगाते हैं, यानी कि आप इसको पावर देते हैं, फिर आपको ये जो टॉप है सप्लाई में भी लगाते हैं, तो यहाँ पे कोई भी जो लाइट है इन दोनों लाइट्स में से, यहाँ पे जो वार्म और वार्म और कुक लाइट, इन दोनों में से कोई भी अगर नहीं जलती और फिर आप इसका स्विच भी देते हैं तब भी कुक लाइट नहीं जलती, यानी बिल्कुल डेड पड़ा हुआ है, तो इस सूरत में मैक्सिमम क्या होता है, यहाँ पे आपका जो थर्मल फ्यूज, मैंने आपको बोला ये फ्यूज होता है, फ्यूज जो है आपका ब्लोन हो गया होता है, ओपन हो गया होता है, ओपन होगा तो आपका राइस कुकर टोटली ऑन नहीं होगा, फ्यूज चेंज करेंगे तो ऑन हो जाएगा। और सबसे पहले जो है आप मल्टीमीटर की मदद से जो है इस लीड को भी जो है वो चेक कर सकते हैं। मल्टीमीटर होता है या आपके पास ऐसा एक लाइटिंग का टेस्टर होता है जो सर्किट चेक करने के लिए होता है, इस तरह देखिए, ये आपका जो है सर्किट चेक कर लेता है कि कहीं पे ब्रेक तो नहीं है, ब्रेक होगा तो लाइट इसमें नहीं जलेगी, तो इस तरह आप इस वायर को जो है वो चेक कर सकते हैं इसकी मदद से। तो चलिए, अब दूसरा फॉल्ट आता है यहाँ पे हमारा कि हम लाइट तो आती है वार्म पे आती है, लेकिन हम जब ये स्विच देते हैं तो हमारी लाइट कुक पे नहीं जाती और खाना गर्म नहीं होता, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, यहाँ पे आते हैं, ये जो लीप स्विच है हमारा, ये ही काम करता है यहाँ पे, जैसे हम कुक यहाँ पे डालते हैं तो यहाँ पे सर्किट जो है पूरा हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं, एक ये और ये, इन दोनों को जब कनेक्ट करेंगे आपस में तो इंडक्शन ऑन, ये जो है हमारा राइस कुकर ऑन हो जाता है। आप आवाज यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ये लीप स्विच आपका खराब होगा तो आप स्विच देंगे तो यहाँ पे इसको सप्लाई नहीं मिलेगी। अगर ऐसा हो रहा है आपके, आप स्विच दे रहे हैं यहाँ से लेकिन लाइट जो है कुक पे नहीं जा रही, कंटिन्यूसली वार्म पे रही है, तो आपको ये स्विच जो है वो चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा एक और ऑप्शन कि हमारा वार्म कॉइल पे रहता है, वार्म कुक पे तो ठीक है, कुक पे हमारा खाना तैयार रहता है, लेकिन जब वार्म पे रहता है खाना गर्म नहीं रहता, खाना ठंडा हो जाता है। तो जो पहले मैंने आपको बोला कि जब वार्म पे लाइट होती है तो आपका जो ये रेजिस्टेंस है, ये हीट प्लेट है, हीट कॉइल है, इसके जरिए से जो है इस कॉइल को सप्लाई मिलती है। तो अगर ये ओपन हो जाएगा तो आपके कॉइल को सप्लाई नहीं मिलेगी और आपका खाना बिल्कुल भी गर्म नहीं रहेगा। तो इस सूरत में आपको क्या करना है कि अगर आपका वार्म कॉइल जल, वार्म लाइट जो है वो जल रहा है लेकिन खाना गर्म नहीं रहता, तो आपको ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो थर्मल रेजिस्टेंस है, हीट कॉइल जिसको हम बोलते हैं, आपको ये चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अगर ये कहीं पे लगा हुआ होगा, तो जब मैंने आपको बोला कि बिल्कुल डेड पड़ा हुआ है, तो उस सूरत में आपको क्या होगा कि आपको इसको भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी थर्मल फ्यूज ठीक होगा, ये भी एक फ्यूज ही तरह है, सर्किट ब्रेकर है, ज्यादा हीट होने की वजह से कभी कट हो जाता है और वापस नहीं आ जाता, डेड बैठ जाता है, तो इसको भी आप जो है चेक कीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद रहा वार्म कॉइल, ये वार्म कॉइल का काम क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपना खाना बना रहे होते हैं राइस कुकर में और आपका खाना अभी कच्चा होता है, पूरी तरह से जो है राइस पकी नहीं होती और ये आपका स्विच जो है वापस चला आता है, इस वजह से आपका खाना खराब रहता है। जब आप खाना जो है परोसते हैं तो वो खाना बिल्कुल खाने के लायक नहीं होता, या तो कभी पूरी तरह जल जाता है कि स्विच वापस ही नहीं आता, और कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल कच्चा रहता है कि स्विच पहले ही वापस आता है। तो इसकी वजह यह है कि आपका ये मैग्नेट जो है, बिल्कुल आप देख सकते हैं जिस तरह इसमें हुआ है कि रस्ट लग गया है, बहुत कमजोर हो गया। कभी जब ये ज्यादा कमजोर हो जाता है तो फिर ये स्विच को जो है ज्यादा तरह से होल्ड नहीं कर पाता, जहां मैं दिखा देता हूँ देख लीजिए ये होल्ड कर रहा है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होगा जब ये खराब होगा तो ये अच्छी तरह से होल्ड नहीं कर पाएगा, वापस छोड़ देता है बहुत जल्दी हीट की वजह से। तो इस सूरत में कौन सी सूरत में कौन सा फॉल्ट, मैंने कहा कि अगर आपका खाना आप स्विच दे रहे हैं, कुक पे भी गया अच्छे से चल रहा है, लेकिन ये स्विच जल्दी से वापस वार्म पे आ रहा है, यानी जितना टाइम लेना चाहिए उतना टाइम नहीं ले रहा, और खाना कभी कच्चा रहता है और कभी ज्यादा जल जाता है, तो इन दोनों सूरत में आपको ये मैग्नेट जो है यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। इसके सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो बहुत ही सस्ते आते हैं, ज्यादा महंगे भी नहीं आते, 30-40 रुपए का कॉयल है, 30-40 रुपए का मैग्नेट है, 50-60 रुपए का जो ये है वार्म कॉयल है, और अगर ये पूरा का पूरा जो मेन कॉयल है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं जिसमें जो हीटिंग कॉयल लगा हुआ है, तो अगर ये खराब हो जाएगा तो ये 400-450 में आपको मिल जाएगा। अब इनको मैं दिखा देता हूँ आपको शॉर्टली जो है मेन कॉयल चेक करने का तरीका, और लीप स्विच को वो कैसे हम चेक करेंगे उसका तरीका मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए आइए हम इसको जो है टेस्टर की मदद से चेक करते हैं। तो ये हमारा टेस्टर है, ठीक है, हमने अभी दिखाया था आपको, इसकी मदद से हम सर्किट चेक कर सकते हैं। अब हम इसको कैसे चेक करेंगे, अब हम जो है इसकी कॉर्ड जो है वो इसमें प्लग लगा देते हैं,
यहाँ से हमने लगा दिया। अब हम चेक करेंगे कि ये लीव स्विच ठीक है या नहीं है। तो ये कैसे चेक हम करेंगे, हम दोनों ये जो कॉर्ड की इस पे दोनों साइड से रखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस जो हमारा है वो चल रहा है। पहले ये हमारा चेक हो जाएगा, इसकी मदद से लाइट आ रही है लेकिन बिल्कुल हल्की आ रही है। इसका मतलब है कि हमारा जो ये हीट कॉइल है, जो रेजिस्टेंस है, ये बिल्कुल काम कर रहा है। इसकी रेजिस्टेंस बराबर आ रही है और वोल्टेज जो है वो कम होके आएगी, क्योंकि हमारी जो लाइट है हम शॉर्ट कर रहे हैं दोनों लाइन को, तो बहुत हल्की लाइट आ रही है। अब इसके बाद हम चेक करेंगे कि ये स्विच हमारा ठीक है कि नहीं है। तो कैसे, सिंपली हमें ऐसे कनेक्ट करके रखना है और स्विच को यहाँ पे दबा देना है। अगर हमारी लाइट ज्यादा ग्लो करेगी तो इसका मतलब है कि हमारा स्विच बिल्कुल ठीक है। तो चलिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देख लीजिए, आप आवाज भी सुन रहे हैं, स्विच को यहाँ पे देख भी रहे हैं और लाइट भी देख रहे हैं कि ज्यादा ग्लो हो रही है, यानी हमारा लीप स्विच भी बिल्कुल ओके है। अगर अब आएंगे हम मेन कॉइल को चेक करने की तरफ, तो सिंपली आपको देखना है यहाँ पे रेजिस्टेंस है कि नहीं, चाहे कम होगी या ज्यादा होगी, यहाँ पे हमारी लाइट आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा रस्ट लगा हुआ है, आपको अच्छी सी क्लीन सी सरफेस देखनी है और चेक करना है। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा ये कॉइल भी बिल्कुल ओके है, जैसा कि और है बिल्कुल ओके है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये सारे फॉल्ट क्लियर कर सकते हैं। अगर अभी भी कुछ रह गया होगा तो आप जो है कमेंट्स में आइए, बोलिए, तो हम इंशाल्लाह उस पर दूसरी वीडियो बनाएंगे और उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। और आपको मैं जो चाहता हूं कि आप पूरी तरह से ये काम सीख जाएं, अच्छी तरह से सीख जाएं। ये वीडियोज अगर आप देखें तो इसमें से आपका भला ही हो, आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो वीडियो आपको कैसी लगी, इसका जो है आप मुझे फीडबैक कमेंट्स में जरूर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए फिर से मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नई बातों के साथ।